प्रकार के बारे में बताएंगे। डायबिटीज में एक होती है टाइप 1 डायबिटीज। इस डायबिटीज के अंदर जो इंसुलिन जो हार्मोन हमारे फूड की को एनर्जी को यूटिलाइजेशन के लिए सेल पर कन्वर्ट करता है उसकी डेफिशिएंसी रहती है, और जब इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं होता है तो इसके इलाज में हमें जिंदगी भर इंसुलिन देना पड़ता है, और ये अक्सर कम उम्र के बच्चों से शुरू हो जाती है। दूसरी डायबिटीज होती है जिसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो हमारी इंसुलिन बॉडी के अंदर मौजूद है या तो वो कम हो जाती है या वो प्रॉपरली हमारे फूड पर एक्ट नहीं करती जिससे कि एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता। एक तीसरी प्रकार की डायबिटीज होती है जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। बहुत सारी लेडीज जब गर्भवती होती हैं पहले उन्हें डायबिटीज नहीं होती, लेकिन प्रेगनेंसी या गर्भ धारण के दौरान उनकी डायबिटीज फ्लेयर अप हो जाती है, उनका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है।